दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज अपन पहुंच चुके हैं बालोद। बालोद से जस्ट हम निकल चुके हैं, 1.5 किलोमीटर के अंदर गांव है जुगेरा गांव, वहां जा रहे हैं अपन। पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं जुगेरा गांव। तो अपन पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं आप लोग को, पूरा कहाँ पर कथा हो रहा है, कैसे हो रहा है, देख सकते हैं जुगेरा गाँव है। जुगेरा गाँव में जस्ट हो रहा है, जस्ट बालोद से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। देख सकते हैं पूरा कथा इस तरह, देख सकते हैं बनना चालू हो चुके हैं इधर बांस बल्ली। उधर काफ़ी अच्छा लंबा मैदान हो रहा है, बहुत बड़ा मैदान में, लेकिन कमी ही हो जाता है यार जहाँ भी होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पास बाल बल्ली और डोम बन रहा है। मुझे तो यहाँ से 3 डोम दिखाई दे रहा है, एक डोम और एक डोम और बीच में स्टील वाला डोम बनेगा। देख सकते हैं एल्यूमिनियम वाला डोम, और इधर ऑफिस भी बना हुआ है। हाँ देख सकते हैं डोम, इधर भैया लोग पूरा काम वाम कर रहे हैं भाई, बांस बल्ली उधर लगा रहे हैं ऊपर में चढ़ चढ़ कर। बड़ी बड़ी ट्रकों में यहाँ पर सामान आया हुआ है, और यहाँ पास बनेगा मंच। और देख सकते हैं पूरा टीना वीना ट्रक व्रक में पूरा आ रहे हैं, तो भर भर के सामान यहाँ पास आ रहे हैं दोस्तों। पूरा ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रहा है। और ये रोड है रानी तरई वाला रोड है जुगेरा गाँव में। जैसे ही आप अपन एंट्री करेंगे तो रानी तरई के लिए रोड कटा हुआ है। और ये रोड की बात करें बालोद से, तो ये है लोहारा राजनांदगांव के लिए अपन जाते वाला रोड है। और यहाँ पास इस तरफ से महाराज आएंगे, जब मंच पूरी तरह से बन जाएगा तो इधर ही से घुसेंगे रोड से आएंगे। तो ये देख सकते हैं दो बड़े बड़े डोम आपको बनता दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पास, और बीच में एल्यूमिनियम वाला डोम बनेगा। तो 3 डोम दिखाई दे रहा है भाई, बड़े बड़े, बहुत लंबा एरिया में मैदान फैला हुआ है। यहाँ पास पूरा मंच बनेगा, अभी नहीं बना हुआ है, और देख सकते हैं डोम और पूरा बहुत दूर लंबा वहाँ पास बना हुआ है उधर, और बना हुआ है भाई कौन सा स्टाल है पता नहीं, लेकिन ये देख सकते हैं डोम बड़ा बड़ा मर रहा है, लेकिन फुल ही हो जाता है पूरा जहाँ भी देखो। वहाँ से छोटा नज़र आ रहा है मुझे ये तिल्दा नेवरा से, और देख सकते हैं बहुत बड़ा वहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पास भी कुछ कुछ पंडाल लगे हुए, इधर पता नहीं सोने वोने खाना पीने के लिए रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत बड़ा मैदान है कहा जाए तो, लेकिन तिल्दा नेवरा से हल्का फुल्का छोटा लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा दर्शक यहाँ पे आते हैं भाई, तो यहाँ भी पता नहीं। तभी अगर आपको दिखाने वाला रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूरी पर है, और एल्यूमिनियम का पंडाल यहाँ पास तैयार होने वाला है। अभी ये सब फैला कर रखें, लेकिन तैयार इधर देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ से तो बहुत बड़ा एरिया में, इधर और कुछ अलग टाइप पंडाल यहाँ पास भर रहा है यार, क्या चीज़ का है पता नहीं, खाने पीने क्या चीज़ के लिए भर रहा है, तो सोने बसने के लिए। और जो सामने जो दिख रहा है जुगेरा गाँव है, तभी आपको ले जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। कितना दूर पड़ रहा है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के लगभग रेलवे स्टेशन यहाँ से होगा। ये देख सकते हैं पूरा जुगेरा गाँव है भाई। अगर आप लोग आना चाहते हैं सर्च नॉर्थ में सर्च कर सकते हैं जुगेरा, अगर बालोद में आते हैं तो। बस स्टैंड से भी ज़्यादा दूरी नहीं है, 4 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा बस स्टैंड। और जो सामने गाँव की तरफ चौंक आएगा ना, ये रानी तरह वाला रोड है। और इधर अपन जाएंगे तो लोहारा जाएंगे, राजनांदगांव के लिए जा सकते हैं। दाढ़ी हाथ में जाएंगे तो अपन लेफ्ट हाथ में, राइट हाथ में लेंगे तो अपन बालोद के लिए जाएंगे, जहाँ पे अपन को जाना है। चौक है यहाँ का जुगेरा का मेन चौक, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जुगेरा का चौक। और यहाँ पर सामने मस्त मंदिर है, बंजारी माता मंदिर है, और पेट्रोल टंकी भी आपको दिखाई देगा यहाँ पास दोस्तों। तो पेट्रोल टंकी है, देख सकते हैं यहाँ पास HP का पेट्रोल टंकी है। यहीं से जस्ट आगे से आपको इधर मुड़ना रहेगा, रानी तरई रोड में आपको मैदान मिल जाएगा। और इधर देख सकते हैं यहाँ पास मंदिर है ज़बरदस्त, और यहाँ पास बाजार चौक है लगता है जुगेरा का, ये देख सकते हैं बाजार चौक है ये। और यहीं के पास मंदिर भी है ज़बरदस्त मंदिर, मेला वेला होता होगा एक समय में नवरात्रि वाले समय में। यहाँ पास बंजारी माता का मस्त मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पास गेट है, तो यहाँ पे भी कुछ श्रद्धालु रुक सकते हैं यहाँ बस। और सीधा अपन चलते हैं आपको रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह पेड़ पहाड़ अच्छे खासे जंगल एरिया टाइप आ जाता है, हल्का फुल्का हरा भरा आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पास। और लोहारा किले वाला रास्ता है, बस स्टैंड से आते हैं तो आपको लोहारा किले रोड मिलेगा। और ये पारस करके गाँव है वो, जो गाँव आपको मिलेगा जस्ट रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो पारस करके गाँव आएगा। पारस मैं सारे वीडियो उल्टा बना रहा हूँ, अब उसको सीधा ही समझिएगा, मैं मैदान से वापस आ रहा हूँ, आप लोग को मैदान से ही वापस जाना है। तो मैं
आप लोग जिस हिसाब से इस वीडियो को देखेंगे तो सामने गेट है फाटक। दोस्तों तो फाटक है, यहीं पास है ट्रक और हल्का फुल्का आप लोग दिखाई दे रहा होगा। इधर आपको रेलवे स्टेशन पैदल से भी जा सकते हैं और होटल वोटल भी है और यहाँ पास फाटक भी है और जस्ट फाटक उस पर पैरस में है जो आप लोग को मैं आते आते दिखाया हूँ। तो यहीं पास से पास पड़ेगा आप लोग को रेलवे स्टेशन, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये देख सकते हैं यहीं पास से रेलवे स्टेशन लिखा होगा यहाँ पास। तो दोस्तों सामने ही रेलवे स्टेशन दिखाई दे, देख सकते हैं हरे कलर में। तो यहीं से रेलवे स्टेशन के लिए आप लोग जा सकते हैं और यहीं से भाई देख बालोद अपन पहुंच चुके हैं। बालोद है जस्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो कैसे लगा जानकारी आप लोग प्रमंत्र की जगह, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।